इंडियन करेंसी नोट्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर विषय है। पिछले दो दशकों से हिंदुस्तान में किसी भी जगह कोई फेक करेंसी पकड़ा गया, किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, तो उसका संबंध सीधा कालिया चौक मालदा का साथ जुड़े हुए होते हैं। सर, आई डू ऑथेंटिक, आई डू ऑथेंटिक सर, रिजर्व बैंक का रिपोर्ट है। तो सारे हिंदुस्तान में जितना सारे फेक करेंसीज है, उसमें 20% कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सर, वी आर लिविंग अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, वी हैव अ 2200 इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, वी आर फेसिंग अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन। नॉट ओनली दैट, एंटायर डेमोग्राफिक डिजाइन ऑफ वेस्ट बंगाल इन द बॉर्डर एरियाज हैव बीन टोटली चेंज्ड। क्रॉस टॉकिंग, आपस में बात ना करें। आज जो फेक करेंसी है, ये फेक करेंसी सिर्फ एक आज पश्चिम बंगाल का बीमारी नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत जगह में फेक करेंसी जो चल रहे हैं, इसी का कारण आज पश्चिम बंगाल का माइग्रेंट लेबर भी खतरे में आ गए हैं। आवर डेमोक्रेसी, आवर इकोनॉमी, आवर इंटीग्रिटी, आवर इंटरनल सिक्योरिटी इज अंडर थ्रेट। सर, गंभीरता से इस विषय को विचार करना चाहिए। मालदा, मुर्शिदाबाद और नोदिया, ये तीन जेलों में और नया शुरू हुआ बारासात बोलकर एक जगह है उत्तर 24 परगना। नॉट ओनली फेक करेंसी सर, फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड। आप ये सारे सदनों में जो सदस्य बैठे हुए हैं, सभी का स्टेट पास देखिए, सभी जगह पकड़ा जाता है। जो माइग्रेंट लेबर पहुंचता है बांग्लादेश से, यहाँ सर साइड जो लोग एक बार इस देश को नापाक बोलकर चले गए थे, जो ये डिमांड उठाते हैं, जब माइनॉरिटी हैज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमको अलग स्टेट चाहिए, इसी का साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये रुपया से बंगाल में तैयार नहीं होता, बांग्लादेश से आ रहा है, और किसी भी एक एजेंसी के माध्यम से इसको बंद नहीं कर सकते। अगर ये नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वेस्ट बंगाल पुलिस एक साथ काम करे, उसका साथ साथ सभी राजनीतिक दल सहमत हो और उसमें जनता का भीतर जागरूकता पैदा करे, तभी हम इसको रोक सकते हैं। और ये सीरियस थ्रेट है सर। जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन जी बोले थे प्रधानमंत्री रहते हुए, जब माओइस्ट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल डेमोक्रेसी, और हम भी आज बोल रहे हैं, जो आज changing of demography in the border states and this kind of fake currency, these Bangladeshi infiltrators, they are the biggest threat to Indian challenges. Fake currency, please. Thank you. Thank you. Mani Sri Muhammad Nadimul Haq, demand to streamline the process of issuing of notices by Income Tax Department. Mani Sri Muhammad Nadimul Haq, not present. माननीय श्री धनंजय भीमराव महादेव, डिमांड फॉर द भारत रत्न अवार्ड टू नोटेड लिटरेटर लेट अन्नु भाऊ साठे। धन्यवाद उपसभापति जी, मैं अपनी मातृभाषा मराठी में बोलने की अनुमति चाहूँगा। साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे हे दलित साहित्याचे संस्थापक म्हणून ओळखले जातात। त्यांच्या साहित्यिक कार्यामुळे समाजातील दुर्लक्षित आणि शोषित वर्गाला आवाज मिळाला आणि सामाजिक न्यायाची चळवळ अधिक मजबूत झाली। त्यांनी आपल्या लेखनातून दलित समाजाच्या वेदना आणि संघर्षांना आवाज दिला। त्यांच्या साहित्याने दलित समाजाला अस्मितेची जाणीव करून दिली आणि आत्मसन्मानाची भावना निर्माण केली। त्यांच्या लेखनात सामाजिक न्याय, समता आणि अन्यायाविरोधात कठोर टीका आहे। माझा रशियाचा प्रवास या प्रवास वर्णनात त्यांनी रशियातील समाजवादी व्यवस्थेचे वर्णन केले आहे। तर चित्रा कादंबरीत महिलांच्या सशक्तीकरणाचा विषय हाताळला आहे। त्यांच्या लेखनात बालविवाह विरोध, हुंडा प्रथा बंदी, अंधश्रद्धा अशा समाजातील अन्याय, जातीय भेदभाव आणि श्रमिकांच्या संघर्षाचे प्रतिबिंब आढळते। त्यांनी 35 कादंबऱ्या, 10 लोकनाट्ये, 24 लघुकथा, 10 पोवाडे, 1 नाटक आणि 1 प्रवास वर्णन लिहिले आहे। त्यांच्या फकीरा कादंबरीला राज्य पुरस्कार मिळाला होता। अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याने भारतीय साहित्यावर आणि समाजावर मोठा प्रभाव टाकला आहे। त्यांच्या लेखनाने
अनेक लेखक आणि विचारवंतांना प्रेरित केले आहे। त्यांच्या साहित्याचे अनुवाद रशियन, चेक, पोलिश आणि जर्मन भाषेमध्ये झाले आहेत। शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन महिला, दलित, शोषित, पीडित यांच्या उद्धारासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले आहेत। अण्णाभाऊ साठे यांचे साहित्य हे केवळ साहित्यिक योगदान नसून सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम आहे। त्यामुळे आपल्या माध्यमातून मी केंद्र सरकारकडे विनंती करत आहे की साहित्यरत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा। धन्यवाद। थँक्यू माननीय धनंजय भीमरावजी। माननीय श्री बिजलाल जी, डिमांड टू नेम ए रोड इन दिल्ली आफ्टर लखी शाह बंजारा। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं दिल्ली में किसी सड़क का नाम लखी शाह बंजारा उस पर लाखा बंजारा के